Hi, welcome to our walk the talk at the Central Vista, rather sit the talk at Central Vista. और इस वक्त हम लोग हैं रिज पे, राजपथ का जो रिज है, और हम लेफ्ट बैंक पे आप कह सकते हैं. और हमारे साथ हैं भवरीन, जो बात करेंगी सेंट्रल विस्ता के सवाल को लेकर. भवरीन, आपका बहुत स्वागत है आज के शो में. और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने पिछले एपिसोड्स में काफ़ी चर्चा की है अपने, खासकर आर्किटेक्चर को लेकर, इसके इतिहास को लेकर. और बायलाज लोगों ने कहा है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जो नया सेंट्रल विस्ता बनाने की बात हो रही है. और जैसा आप देख सकते हैं, हम लोग इस वक्त बैठे हैं, हमारे पीछे जो बिल्डिंग्स हैं, अगर आप दिखा सकते हैं, ये सारी बिल्डिंग्स जाने वाली हैं. और आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप किस पहलू से इसको देखती हैं, और आपका ये मानना है, मतलब जो हम लोग पढ़ पाए हैं आपके काफ़ी आर्टिकल्स जो आपने लिखे हैं, कि इससे एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ेगी. ऑलरेडी एयर पोल्यूशन का बहुत संकट है दिल्ली में, और वाटर टेबल बहुत बड़ा संकट होने वाला है. आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे सवाल? हाँ जी तेकेंद्र, जो हालात हैं इस टाइम, दिल्ली विश्व की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है इस टाइम. और शायद हमें, हम इतनी सारे बातें कर रहे हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे ड्राफ्ट्स बने, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, सब जगह हम कोशिश कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए. तो ये कैसी सीरियसनेस है कि जहाँ हम प्रदूषण को कम करना चाहते हैं, और जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी समस्या है हमारी सिटी के लिए, और वहाँ पर हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी एक्चुअली कोई ज़रूरत ही नहीं है. आप अगर पीछे दिखा पाएंगे, ये जो पूरा सेंट्रल विस्ता का एरिया है, और वो सामने हमारे इंडिया गेट है, ये माना जा रहा है कि ये शायद काफ़ी पेड़ इसमें से काट दिए जाएंगे, और ये जो ग्रीन स्पेस, ओपन स्पेस है, ये भी जाएगी. और वही जो भवरीन बोलना चाह रही है कि इससे पोल्यूशन लेवल भी बहुत हाई होगा. क्योंकि आप इसको करने के लिए पेड़ भी काट रहे हैं, आप हमारी, जब आप इतनी 8 levels जो अभी हमें पढ़ने में आए हैं, और 4 levels नीचे तक आप जा रहे हैं, हमारी जो यहाँ की इकोलॉजी है, उसके जो वाटर शेड्स हैं, वो अपवर्ड्स भी जा रहे हैं और डाउनवर्ड्स भी जा रहे हैं. सो जब आप ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करेंगे, ये एक बैरियर बन के रह जाएगा, और वो उस करके जो पानी का फ्लो है वो रुकेगा. और जो ये टनल्स बना रहे हैं, जहां हम मान रहे हैं कि मिस्टर मोदी के लिए निकलने के लिए उनको बोट चाहिए होगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है. पता नहीं क्यों नहीं एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, और कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पानी तो सूख ही चुका है. तो अगर सूख चुका है, तो फिर वो जो आप 200 करोड़ की फ़ी दे रहे हैं ये आर्किटेक्चर करने के लिए, प्लीज़ पानी के लिए कुछ करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए. सो आई वुड से प्रायोरिटीज़ इतनी गलत हैं इस टाइम पे. हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, ब्रीदिंग एलिमेंट्स हैं, और हम सिर्फ हम एक छोटे से, अपने लोगों को भूलिए, जो मासेस हैं हमारे, जो आम लोग हैं, जो यहाँ पर ओपन स्पेसेस पे आ रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, या जो ये हवा खाने आते हैं, खुली हवा, वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे, हमारी अपनी याददाश्त है, ये जो स्पेसेस हैं, ये हमारे पब्लिक स्पेस है, ये हमारी स्पेसेस हैं. जो हमारी गवर्नमेंट है और मिस्टर मोदी हैं, ये इसके कस्टोडियन है, ये हमारे से, हम मालिक जनता है. आप हमसे हमारी जगह लेकर, अभी जैसे हम यहाँ शूट करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पार्लियामेंट सेशन है, उन्होंने हमें उसके 2 किलोमीटर आगे तक जाने नहीं दिया. क्यों? ये हमारी जगह, हम लोग हैं. आई मीन ऑफ कोर्स आप सिक्योरिटी देखिए, पर एक और भी सवाल आ रहा है कि क्योंकि आपने, मैं पोल्यूशन पे थोड़ा और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी अक्यूट है. अगर हम थोड़ा चल सकते हैं, और चल के हम ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं. पोल्यूशन के लेवल्स बहुत हाई हैं, और अभी हम इंडिया गेट दूर से दिख रहा है, लेकिन बहुत साफ़ नहीं दिख रहा है. और आने वाले समय में अगर ये पूरी बिल्डिंग्स बनती हैं, पोल्यूशन से आप मतलब इंडिया गेट देख ही नहीं पाएंगे. बिल्कुल दिख ही नहीं सकता आपको इंडिया गेट अभी कहाँ नज़र आ रहा है. और ये जो बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि ये हमारे जो बेसिकली आपका कंसर्न है, वो ये है कि ये वाली बिल्डिंग्स भी जाएंगी, हमारे जो लेफ्ट है, और हमारे जो राइट में ये सारी बिल्डिंग्स जाएंगी, और इसका बेशुमार कंस्ट्रक्शन होने वाली है, और बहुत सारा पोल्यूशन यहाँ पर होने वाली है. एक चीज़ जो बहुत बड़ी सामने आई है, वो ये है कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है. जैसा आपने अभी आपने बताया कि लोगों को मालूम नहीं है, आफ्टर ऑल ये जगह पूरी लोगों की है, ये जो ओपन स्पेस है, ये इसके मालिक जनता है, और कस्टोडियन है सिर्फ जो हमारी सरकार है. आप इसको कैसे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम ये जो आपने कहा कि मतलब पानी का क्वेश्चन है या पोल्यूशन का क्वेश्चन? ये बहुत ही जैसे ये अपने लिए एक सेल्फिश प्रोजेक्ट्स हैं, कि एक फैमिली होती है, जो फैमिली का हेड है, वो सिर्फ अपने आप को पैम्पर करना चाहता है, पर वो अपने घर वालों को और उसकी सेहत नहीं देखना चाहता. ये उस तरह का प्रोजेक्ट है.
क्योंकि आप अपने लिए ऑफिस, अपने लिए घर, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, किस चीज़ के कीमत दे रहे हैं उसके लिए, हम लोगों के जानों से, हमारे बच्चों के फ्यूचर से, क्योंकि अब ये डिमोलिशन, इतना डिमोलिशन वेस्ट यहाँ से जाएगा. अभी मेट्रो का ही डिमोलिशन वेस्ट, आप जो है, जो दो से तीन पॉन्ड्स हैं जो हमें पता है, यू नो, एज सिटीजन, और हम जो लड़ झगड़ के पता करते हैं पॉन्ड्स, वो जैसे एक या तो पॉन्ड बनता है जो आप बैरी कर देते हैं और बना देते हैं, या फिर माउंटेन बन जाते हैं, तो लैंडफिल, बिल्कुल जी. तो अब यहाँ से आप क्या, कितना वेस्ट आप कहाँ पर लेके जाएंगे? हमें तो यहाँ पर जो प्राइवेट इस टाइम में जो हालात हैं हमारी हवा के लिए, हमें उस तरह के स्टेप्स लेने हैं कि इवन जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, हमारे जैसे लोग भी करना चाहते हैं, थैंक यू, वो भी हमें रोकना पड़ेगा. पर जो गवर्नमेंट को जो मॉडल बनना चाहिए, उनको एक एक एग्जांपल सेट करना चाहिए, और वो ही वायलेटर्स बन रहे हैं. आप अगर आप पीछे दिखा सकते हैं, ये जो खासकर ये जो ग्रीन पूरा कवर है, इसकी खासियत ये है भरवीन, आपका ये मानना है कि ये अपार्ट फ्रॉम ग्रीन स्पेस, बहुत सारा मिक्स्ड फॉरेस्ट भी है इसमें, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, और ये सारे पेड़ जाने वाले हैं तकरीबन. बिल्कुल जी, हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज, और ये इनमें से बहुत पेड़ हैं जो 70-80 साल और 100 साल के पेड़ हैं, जो और दैट कीप्स हमारी सॉयल जो है उसको इंटैक्ट कर रहे हैं. इवन जो कंस्ट्रक्शन, जब आप ये सारी कॉन्क्रीटाइज कर देंगे, तो हमारी जो सॉयल जो पानी रोकती है, वो वन ऑफ द पानी का रीजन ये होगा, क्योंकि सॉयल जो पानी एब्जॉर्ब करती है वो ख़त्म हो जाएगी. बरबीन, एक एक और जानकारी हम लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज निकल कर आए हैं, और जैसा आपने एक तो कहा कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दूसरा ये भी कहा गया है कि क्योंकि इसका मास्टर प्लान बना है, ऑफकोर्स अंग्रेज़ों ने पहले इसको बनाया, और उसके बाद हमारा 1960 में दिल्ली मास्टर प्लान आया, और इस पूरे इलाके को आपने एक लैंड यूज़ रखा, और इसका रखा कि ओपन लैंड यूज़ है. अब सुन रहे हैं कि उस लैंड यूज़ के साथ भी बहुत खिलवाड़ होने वाला है अगर इसको बनाना. हाँ जी, बिल्कुल जी. सो ये तो हमारे आर्किटेक्ट्स वगैरह बहुत कोशिश कर रहे हैं कोर्ट्स में, बट यू नो, यही तो बात है, ये सारा छल कपट है, एंड एक किस्म का, वेल, व्हाट डू आई से, इज जस्ट इट्स अ वे ऑफ टेकिंग आवर यू नो माइंड अवे फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. इस टाइम में जो हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस, इकोलॉजिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और हम ये चीज़ों के लिए सोच रहे हैं, सो ऑब्वियसली यू नो इट्स नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग गुड फॉर द सिटीजंस. लेकिन आपको नहीं लगता कि जहाँ ये पूरी बात हो रही है, और इसमें दिल्ली सरकार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर पोल्यूशन के सवाल को लेकर, और उसके साथ भी कोई कंसल्टेशन नहीं है जो हम उसका एक प्रोटोकॉल है बेसिकली दिल्ली के पोल्यूशन स्टेट है, उनके 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 इसमें होना चाहिए उनका, यू नो, यही तो प्रॉब्लम है कि हम किसी को भी बोलने नहीं दे रहे, हम किसी को वक्त नहीं दे रहे, किसी को किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है. आपने दो दिन में, एक दिन में बुलाकर आपने हियरिंग्स करवाई, पब्लिक हियरिंग्स, यू नो, ऑब्जेक्शंस के लिए आप सिर्फ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मांग रहे हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, पार्लियामेंट के लिए, जब ये 3.5 किलोमीटर यहाँ पे यू नो कंस्ट्रक्शन होनी है. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यू नो खिलवाड़ हुआ है और हो रहा है, और हमें यू नो इसीलिए वी विल, आई डोंट नो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, बट ये एक रेवोल्यूशन बन के, बिकॉज आप अगर यू नो पब्लिक के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पब्लिक नहीं सुनेगी. क्योंकि आप एक्टिविस्ट भी हैं अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट, आप क्या समझती हैं कि अगर इसको बचाना है, क्योंकि ये तो बेशुमार ओपन स्पेस है, शायद कहीं भी नहीं है दिल्ली में ऐसी ओपन स्पेस, और इसमें अगर ये पूरी कंक्रीट बिल्डिंग हो जाएंगी, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी ये बिल्डिंग जाएगी, इसके बाद अगर नई बिल्डिंग आएंगी, या पीछे जो बिल्डिंग जाएंगी उसके बाद जो नई बिल्डिंग आएंगी, तो और क्योंकि ये पूरा नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक खाली होकर यहाँ आएगा, तो कोई ना कोई स्नाइपर आपके ऊपर बंदूक तान के होगा. Absolutely. तो आपको नहीं लगता कि आम जन को, नागरिक को इसमें आने की ज़रूरत है? और यस ऑफ कोर्स, आई मीन इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं. और आई एम सो सॉरी, आप बोल रहे हैं एनवायरमेंट एक्टिविस्ट क्यों बन गए, क्योंकि जब कोई सुनवाई नहीं है तो तुम एक्टिविस्ट, हर आदमी एक एक्टिविस्ट बने जा रहा है, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं है. जो सिविल सोसाइटी का एक रोल था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, बिकॉज हमको सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है. वी वर नॉट गिव अप, बिकॉज आफ्टर ये हवा, जगह, स्पेसेस, ये सब हमारे बच्चों के लिए है, बच्चों का हक है, और यू नो वी विल नॉट लेट इट गो, हमारी ज़मीन है, और ये ऐसे नहीं होगा. मिस्टर मोदी, आई एम श्योर, अगर ऐसे देख रहे हैं और जो हम लोग बोल रहे हैं, इसको सीरियसली लें, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो अलॉन्ग वे, वी विल नॉट लेट इट हैपन. वेल भावरीन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. और जैसा भावरीन ने बुनियादी बात कही है कि ये पूरी कॉमन स्पेस है, ये अर्बन कॉमन्स हैं, और जब ये दिल्ली का मास्टर प्लान बना था तो ये जानबूझ के रखी गई थी, क्योंकि ये है जो आम जन की जगह है. और जैसे भवरी ने कहा भी कि
we are the owners. The government is just the custodian. I think the custodian must know how to behave. It can't just sell off this place against the wishes of the people. Thank you so much. Thank you.